In progress. तो आज आदर्श जी के साथ हम VVA माइक्रो प्रोग्रामिंग की शुरुआत करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि VVA माइक्रो प्रोग्रामिंग का जो यूज होता है वो बेसिकली ऑटोमेशन के लिए यूज होता है। जब हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो क्या करेंगे, तो मैंने आपको प्रिपरेशन ऑफ द लर्निंग बताया कि माइक्रो सिक्योरिटी एनेबल होना चाहिए, डेवलपर टैब होना चाहिए, फाइल को सेव कर लीजिए माइक्रो अनेबल वर्कबुक में। उसके बाद फिर आप विजुअल बेसिक पे क्लिक करते ही सामने आपके सामने इस तरह का विंडो आएगा और जितने भी फाइल ओपन होगा उस फाइल का लिस्ट आएगा। ठीक है, जैसे बुक टू है, बुक टू का लिस्ट आया, तो जितने भी फाइल खुले होंगे सबका लिस्ट आएगा। अब बात करेंगे कि हम कोड करेंगे कहाँ पे। देखिए जितने भी सीट, जैसे सीट सिक्स इसमें है तो सीट वन पे डबल क्लिक करके भी यहाँ पे हम कोड कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक माइक्रो यहाँ पे बना दिया तो आप जब जाएंगे बुक टू के अंदर और यहाँ पे देखेंगे तो माइक्रो लिस्ट में आपको ये बुक दिख जाएगा, दिख गया। लेकिन किसी ने सीट वन को डिलीट कर दिया, जो कि बराबर होते रहता है डिलीट, तो आपका माइक्रो तो गया। क्या मैम, क्या सर, आदर्श जी, इसलिए हम इस पे डबल क्लिक नहीं करें। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर दिस वर्कबुक पे कर दीजिए, तो दिस वर्कबुक में करेंगे तो ठीक है, आपका कोड सेव रहेगा प्रॉपर्टी में, बट प्रॉब्लम क्या होगी कि एक किसी और फाइल से रेफरेंस नहीं ले पाए। तो यहाँ पे हम मॉड्यूल को इंसर्ट करेंगे, जो भी प्रोग्रामिंग करेंगे हम मॉड्यूल में करेंगे जो कि आपकी फाइल की प्रॉपर्टी में सेव रहे। अब यहां पे दूसरा सवाल उठ के आता है कि जो ये आपको मॉड्यूल वन जो आपने दिख रहा है जहां हम कोड करने जा रहे हैं, तो बाकियों का यूज क्या होगा। इसमें हम लोग इवेंट माइक्रो का इस्तेमाल करते हैं, टाइप ऑफ माइक्रो बताया था, उसमें बताया था इवेंट माइक्रो का यूज करते हैं। माइक्रो लिखने के लिए आप डिक्लेरेशन ऑफ द माइक्रो की बात कर लेते हैं, तो यहां पर अगर हम पब्लिक सब लिखें या सब लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सबसे पहले माइक्रो डिक्लेयर करना होगा। माइक्रो डिक्लेयर करने के बाद यहाँ पे आप नाम माइक्रो को दे दीजिए, तो माइक्रो का नाम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया टेस्ट टुडे कर देंगे, ये माइक्रो नेम गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि माइक्रो नेम के बीच में स्पेस डॉट डैश इस तरह की कोई भी स्पेशल करेक्टर नहीं होनी चाहिए। हाँ, आप अंडरस्कोर लगा सकते हैं। ओके? तो ये माइक्रो आप जो भी प्रोग्रामिंग लिखेंगे सब और एंड सब के बीच में करेंगे, और जैसे आप जाके यहां पर रन कीजिएगा आपको यहां पे माइक्रो लिस्ट दिख जाएगा। अब बात करते हैं इसमें कि नाम डालते समय एक चीज और देखिएगा, जैसे मैं सब राज वन, ये माइक्रो नेम गलत हो, तीन करेक्टर और न्यूमेरिक नाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप रन ही नहीं कर पाओगे। रन करने जाओगे, जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया तो देखिए रन ही नहीं हो पाया, क्यों, क्लिक करते उस लोकेशन में पहुंच जाए, क्योंकि राज और नाम का ऑलरेडी आपके पास लोकेशन है। अब तीन डिजिट इसलिए बोला क्योंकि आप देखेंगे कॉलम के लास्ट वाले पे, तो यहाँ आपको दिख रहा है XFD, तीन करेक्टर है, इसलिए तीन करेक्टर के अल्फा न्यूमेरिक हम यहां पे नहीं यूज करेंगे। ठीक है, हाँ जरूरत है तो आप अंडरस्कोर लगा दीजिए। अब बात करते हैं कि यहां पहला वर्ड क्या होगा। देखिए मेनली जो कोड होते हैं चार वर्ड से स्टार्ट होते हैं, एप्लीकेशन वर्क बुक्स शीट्स एंड रेंज। ठीक है, समझ गए, ये चार जो है हमारे पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट है, मतलब कोई भी कोड जनरली इसी से स्टार्ट होता है। यहाँ पे हम एक सवाल, यहाँ पे एक सवाल ये होता है कि ठीक है चलिए तो कोड पहला लिखेंगे क्या। देखिए हम वन बाय वन आपको समझा रहे हैं, हम आपको जो है
हम यहाँ पे वर्कबुक सीट और रेंज वन बाय वन के एप्लीकेशन पर फिलहाल होल्ड करते हैं, तो वर्कबुक जानते हैं। जैसे कोई भी चीज लिखने के लिए आपको पहले यहाँ पे लिखता होता वर्कबुक्स डॉट ऐड, अब ये क्या करेगा एक नई वर्कबुक को ऐड। अब इस कोड को ऐसे रन नहीं कर सकते, इसको रन यहाँ मान लीजिए इसमें करेंगे और माइक्रो में जाकर अगर मैं इसको रन करता हूँ राजवन को, तो देखेंगे कि एक नई फाइल खोल दी बुक थ्री को। अब जो फाइल खुली है ना उसको सेव करना है, तो सेव करने का कोड किसी भी ऑब्जेक्ट को लिखने का तरीका होता है, पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे देन ऑब्जेक्ट डिटेल, जैसे कि कौन सा वर्कबुक, तो बुक्स थ्री डॉट एक्स एम डॉट, अब आता है इसको बोलते हैं मेंबर ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट का मेंबर हो गया सेव है, और यहां पे हो गया मेंबर डिटेल कि मुझे जी ड्राइव के अंदर 2022 और यहां 123 डॉट xlsx के साथ सेव करना है। तो हमें इस तरह से लिखना है कि ऑब्जेक्ट यहां पे ऑब्जेक्ट की डिटेल्स देन मेंबर्स एंड देन मेंबर्स डिटेल्स, ओके। बट हमें सिचुएशन भी समझना है, मान लीजिए कि मैं उस फाइल को ऐड कर सेव करना चाहता हूं जो अभी भी मैंने ऐड किया है, तो हर बार बुक थ्री थोड़ी होगा, बुक फोर भी हो सकता है, बुक फोर बाई फाइव भी हो सकता है, बुक सिक्स भी हो सकता है, ओके तो अभी अभी यहाँ पे सिचुएशन समझना हो, सिचुएशन नहीं है कि जो फाइल ऐड हुई है यहाँ पे वही एक्टिवेट है ना, तो यहाँ पे एक और होता है एक्टिव वर्कबुक ये फिक्स है जो एक्टिव है, जैसे सामने आपके सामने जो फाइल दिख रहा है अभी एक्टिव कौन सा बुक टू हो गया, तो एक्टिव वर्कबुक जब एक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो बुक टू पे चला जाएगा। तो एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव एज, बाकी मेंबर सेम रखते हैं। तो अगर आपको कोड लिखना है कि फाइल खोलो और उसको सेव एज करो, तो ये दो लाइन आप लिखेंगे और उसको रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा एक नई वर्कबुक को ऐड करेगा और उसको सेव कर देगा। लेकिन अगर आप कंफर्म है कि जो फाइल हमने ओपन किया है उसी को सेव करना है, तो यहां पे हम लिखेंगे books.add.save as, और फिर यहां पे हम दे देंगे अपना लोकेशन विद फार विद फाइल नेम विद एक्सटेंशन। और डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, क्योंकि आप जैसे कि आप वर्कबुक ऐड करके इसके अंदर कुछ और काम भी कर सकते हैं, लास्ट में उसको सेव एज करवा सकते हैं, लेकिन आप चाहते कि नहीं मेरा फाइनल है कि अब 123 नाम से ही सेव हो ऐड होके, तो डायरेक्ट इस लाइन को यूज कर सकते हैं। समझे आदर जी? यस सर। अब वर्कबुक को हमने सेव कर लिया है, हमने क्रिएट कर लिया, सेव एज कर लिया। अब जैसे कि कोई वर्कबुक को सेव करना है कंट्रोल एस, तो वर्कबुक पे काम कर रहे हैं, काम करने के बाद आपको सेव करना है ना, तो वर्कबुक्स और यहां पे उस फाइल का नेम book1.xlsx विथ एक्सटेंशन डॉट सेव, लेकिन पता नहीं है आपको कि वो फाइल का नेम क्या है, बट वो फाइल आपका एक्टिव है, तो आप यहां पे इसको ले सकते हैं। तो वर्कबुक डॉट सेव एंड एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव कर सकते हैं। एक्टिव वर्कबुक आपका फिक्स होते हैं, क्लियर है? क्लियर सर।
तो आप एक्टिव यहाँ पे वर्कबुक विथ फाइल नेम या एक्टिव वर्कबुक ले सकते हैं, आप दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं एज पर योर सिचुएशन। लेकिन जब कोई फाइल का जिक्र नहीं होगा वहां पे जस्ट वर्कबुक होगा, जैसे हमने एक वर्कबुक को ऐड किया तो इसमें कोई फाइल का जिक्र ही नहीं है तो सिंपल वर्कबुक ऐड हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे वर्क एक फाइल को ओपन करना है आपको, तो वर्कबुक्स डॉट ओपन। अब बोलेंगे सर यहाँ पे फाइल का जिक्र हो रहा है बट वो एक्टिव मतलब कि लाइब्रेरी का जिक्र नहीं हो रहा है, क्योंकि जो फाइल ओपन होता है वो लाइब्रेरी में होता है, ठीक है। तो अगर ओपन नहीं है तो लाइब्रेरी के अंदर नहीं है। ओके हाँ समझे? तो वर्कबुक डॉट ओपन करेंगे हम। अब यहां पे आपने फाइल ओपन किया तो किस फाइल को ओपन करना है उसका पाथ आपको देना पड़ेगा। तो मैंने फाइल ओपन कर लिया और दे दिया पाथ के पर्टिकुलर फाइल को हमें ओपन करने के, जी ड्राइव 2123.xls इस फाइल को ओपन करना। अब यहाँ पे हमने फाइल ने मेरे स्ट्रिंग किया, अब यहाँ पे बाकी चीजें भी इसे अपडेट लिंक रीड ओनली फॉर्मेट पासवर्ड ये चीजें भी आप यूज कर सकते, लेकिन फिलहाल इसकी रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो फाइल को हमने ओपन कर लिया, अब फाइल ओपन हुई है तो हम फाइल को क्लोज भी करेंगे। अब आपको पता है कि जो फाइल एक्टिव है उसी को क्लोज करना है, तो आप यहीं पे लिख देंगे एक्टिव वर्कबुक डॉट क्लोज। पर प्रॉब्लम क्या होता है कि जब फाइल क्लोज करते हैं ना, कोई भी अगर एक्सेल फाइल को लिया आपने और क्लोज किया तो आपसे पूछता है डू वांट टू सेव, सेव पे क्लिक करना है तो आप क्या करेंगे कोड के अंदर क्लोज के बाद यहां पे देंगे ट्रू। ओके राहुल इसमें जी गुड डिस्प्लेयर इवनिंग। इस अगर सर आपको ट्रू नहीं देना है तो यहां देंगे फॉल्स, ठीक है आदर जी? ये डिस्प्ले अलर्ट है ना। नहीं और डिस्प्ले अलर्ट है लेकिन यहाँ जरूरत नहीं डिस्प्ले अलर्ट का हटाने का, ट्रू कर दीजिए ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा, देना जरूरी है। कई बार क्या होता है कि हम कई बार क्या होता है कुछ कुछ लोग कोड लिखते हैं कि सबसे पहले वो एक्टिव वर्कबुक को सेव करेंगे देन क्लोज करेंगे, ठीक है ना। तो क्लोज करने के बाद अगर आपने ट्रू दे दिया तो इस सेव वाले कोड की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तो ऑलरेडी वो ट्रू करते हुए सेव करेगा, मतलब सेव करते हुए क्लोज करेगा। तो हमने किसी फाइल को ऐड कर ली, हमने सेव किया, सेव एज किया, राइट, हमने ओपन किया एंड क्लोज किया। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास दो फाइल ओपन है, एक फाइल से दूसरे फाइल पे जाना है, जो कि बराबर होता है, जैसे आपने क्या किया फाइल ओपन किया डेटा को कॉपी किया फिर दूसरे फाइल पे जाके पेस्ट करेंगे, तो दूसरे फाइल पे जाएंगे तभी तो पेस्ट करेंगे। तो वहां उसके लिए हमारे पास होता है कोड वर्क बुक्स, और यहां पे आप देंगे किस फाइल पे दाना है बुक वन डॉट एक्सएलएस डॉट एक्टिवेट। हालांकि इसमें आप ये भी डाल सकते हैं वर्क बुक्स और यहां पे नंबर भी है इंडेक्स के दूसरे नंबर फाइल पे जाना डॉट एक्टिवेट, समझ गए? क्योंकि यहां देख रहे हैं आपको पहला और दूसरा दिख रहा है, इसके अकॉर्डिंग चलता है, इसका भी यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फाइल को प्रोटेक्ट करना।
कि मुझे एक्टिव वर्कबुक को प्रोटेक्ट करना है या कोई पर्टिकुलर फाइल। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि एक्टिव वर्कबुक लेना है या वर्कबुक विथ फाइल नेम लेना है, वो आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। आपके पास फाइल नेम है तो लीजिए, अदरवाइज एक्टिव है तो एक्टिव लीजिए, ठीक है। डॉट सर यहाँ पे मेरा एक डाउट है सर, पूछिए। सर आप ऊपर जो है तो वर्कबुक स्टार्ट ऐड कर दिया ना, तो बुक नंबर बुक 3 ओपन हो गया, राइट? जी दैट वाज अ मैक्रो वर्कबुक, करेक्ट? सो यहाँ पे नीचे जाइए तो वर्कबुक्स बुक 1.xls एक्टिवेट बोल, तो वो नया वर्कबुक ओपन होता है या नहीं? नहीं, एक्टिवेट होता है, जाता है। ऑल टैब करते हैं ना आप लोग, ऑल टैब, हाँ ये करता है। सो बुक 1 इज ऑलरेडी ओपन, या बुक 1 को ऑलरेडी ओपन होना चाहिए। ऑलरेडी ओपन होगा तभी एक बुक से दूसरे बुक पे जाएगा। ओके सर, गॉट इट, थैंक यू। ठीक है, समझे? ओके, अब यहाँ पे मैंने एक्टिव वर्कबुक डॉट प्रोटेक्ट, और यहाँ पे पासवर्ड, ये कौन सा पासवर्ड है? ये आपका जो रिव्यू के अंदर में जो प्रोटेक्ट वर्कबुक होता है उसके अंदर, ठीक है। समझ गए? लेकिन मैं चाहता हूं अपनी ओपनिंग पासवर्ड डाल, मैं चाहता हूं कि भाई ओपनिंग पासवर्ड डाले, तो ओपनिंग पासवर्ड के लिए आप यहां डालेंगे एक्टिव वर्क बुक डॉट पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड। पासवर्ड हमने नॉर्मली वो नंबर डाल दिया, अगर इन्वर्टेड कॉमा में जब नंबर टेक्स्ट होगा तो इन्वर्टेड कॉमा डालिएगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, आपकी फाइल के अंदर, फाइल मेनू बार के अंदर जाएगा, ऑप्शन पे जाएगा, ऑप्शन नहीं माफ कीजिएगा, प्रूफिंग इन्फो पे, इन्फो पे जाएगा और यहां से एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड करेगा, समझ गए? और फाइल की ओपनिंग पासवर्ड लगा देगा एक्टिव वर्कबुक डॉट पासवर्ड। अब यहां पे देखिए, इससे पहले जितने भी कोड मैंने आपको एक्सप्लेन किए हमने कहीं भी इक्वल नहीं लगाया, नहीं लगाया ना, बट इसमें इक्वल क्यों लगाया? जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी हम कोड लिखते हैं तो कोड के दो पार्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट एंड मेंबर, ऑब्जेक्ट मेंबर, ऑब्जेक्ट मेंबर, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिटेल मेंबर, राइट? तो बेसिकली जो मेंबर होते हैं वो बेसिकली दो तरह के होते हैं, मेथड एंड प्रॉपर्टी। तो जो प्रोटेक्ट है, एक्टिवेट है, क्लोज है, ये सब मेथड है और पासवर्ड हमारा प्रॉपर्टी है। कैसे पता चलेगा कि प्रॉपर्टी है मेथड है? क्योंकि मेथड में हमेशा स्पेस लगाते हैं, स्पेस लगाते नीचे एक्सप्रेशन आ जाएगा, और प्रॉपर्टी में आपको इक्वल लगाना पड़ता है, स्पेस लगाते मेथड नहीं आता है। दूसरा सबसे अच्छा तरीका है कि जैसे मैंने यहाँ पे प्रोटेक्ट किया तो ये जो ग्रीन बॉक्स में आ रहा है ना, ये हमारा मेथड है, इसका मतलब है कि इसमें स्पेस लगा के बाकी डिटेल देनी है। और जिस जो आपका हैंड का निशान बना आ रहा है, प्रॉपर्टी सिंबल दिख रहा है ना, प्रॉपर्टी सिंबल, यहाँ भी प्रॉपर्टी सिंबल है, इसका मतलब है कि प्रॉपर्टी सिंबल जो है ये हमारा प्रॉपर्टी है, इसमें हमें इक्वल प्लेस करना हो। ये सिर्फ वर्कबुक के ही ऑब्जेक्ट में नहीं, किसी भी ऑब्जेक्ट में सेम प्रोसीजर होता है, समझ गया आदर्श जी? यस सर। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि प्रॉपर्टी दो तरह के होते हैं, एक जो इंफॉर्मेशन लेते हैं, जो इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे ये देख पा रहे हैं आप, इंफॉर्मेशन ले रहा है, जैसे मुझे अगर एक्टिव वर्कबुक का फाइल नेम पता करना है तो मैंने बोला fn इक्वल टू या f इक्वल टू कर दीजिए, इट इज द वेरिएबल, जैसे मैथमेटिक्स में xyz लेते हैं ना, उस तरह से कुछ भी xyz ले सकते हैं आप, एक्टिव वर्क बुक डॉट नेम, तो फाइल नेम दे देगा। और हम यहाँ पे पाथ करते p इक्वल टू एक्टिव वर्क बुक डॉट पाथ,
यहाँ पे कर देते हैं फुल नेम, FL कर देते हैं, इक्वल टू एक्टिव वर्क बुक डॉट फुल नेम। तो दोनों केसेस में देखिए सिंपल सी बात, जो इंफॉर्मेशन लेता है ना वो इक्वल के इस साइड होता है और जो देता है वो इस साइड होता है। तो यहाँ पे एक्टिव वर्कबुक डॉट पासवर्ड इंफॉर्मेशन ले रहा है इसलिए इस साइड में इक्वल के, ठीक है, और यहाँ पे एक्टिव वर्कबुक डॉट इंफॉर्मेशन दे रहा है इसलिए इक्वल के इस साइड में। तो हर बार कोई ना कोई रिसीवर और गिवर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ एफ जो है रिसीवर है, मतलब कि एक्टिव वर्कबुक डॉट नेम जो एक नेम देगा 1.xls 2.xls वो एफ के ऊपर स्टोर हो जाएगा। एफ एक वेरिएबल है टेम्पररी शेविंग लोकेशन से, जैसे रेंज A1 B1 C1 होता है उसी टाइप से। अदर जी समझ में आया आपको? हाँ यस सर। कोई दिक्कत इसमें? नहीं नहीं, ये डायमेंशन नहीं है ना, डिम नहीं है। नहीं, डिम हमने डिफाइन नहीं किया, हालांकि इसको डिफाइन कर दीजिएगा तो डायमेंशन हो जाएगा कि डिम एफ एज ए स्ट्रिंग। अच्छा, इस ये डिफाइन करने में या ये देखिए जब डिफाइन कर दिए, डिफाइन कंफ्यूजन, देखिए सिंपल सी बात, जब डिफाइन कर दिए तो उसका कास्ट फिक्स हो गया, टाइप फिक्स हो गया कि वो स्ट्रिंग ही रहेगा। आप डिफाइन ना किए तो बाय डिफॉल्ट वेरिएंट हो गया, इस पे हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, एफ इक्वल टू 10 भी कर सकते हैं। अच्छा, ओके, समझ गए। और आप ये बात है कि अभी मैंने आपको अभी डिफाइन करना सिखाया नहीं है, इसलिए हम फिलहाल बिना डिफाइन करने की यूज कर रहे हैं, बिना डिफाइन भी यूज कर सकते हैं। हाँ, बशर्ते ऊपर में ऑप्शन एक्सप्लिट जो डाला रहता है ना, यहाँ पे ऑप्शन एक्सप्लिट करके एक डाला रहता है, अगर ये डाला हुआ है एक्सप्लिट स्पेलिंग एक्सप्लिसिट एक्सप्ली क्या स्पेलिंग होगा सर, भूल रहा हूँ सर मैं, PLI चाहिए या मुझे नहीं पता, हाँ नहीं एस नहीं चाहिए, हाँ बस अब ये डल गया ना सर, मैं माफ कीजिए, मैं इसका स्पेलिंग से भूल गया क्योंकि मैं इसको यूज नहीं करता सर। अगर ये ऊपर में डाला हुआ है तो आपको वेरिएबल डिफाइन करना ही होगा। ये नहीं डाला हुआ है ओके, कि बहुत सारे केसेस, बहुत सारे एप्लीकेशन में जब कोई जैसे बहुत सारे वर्जन है एक्सेल के, उसमें डिफॉल्ट डाला हुआ आता है तो आप उसको हटा दीजिए, ठीक है, अगर आपने वेरिएबल डिफाइन नहीं डायरेक्ट यूज किया हुआ, समझ गए। अभी कोड को प्रैक्टिस किया, अभी हमने जो आपको समझाया कोड समझाया कि किसके लिए क्या यूज होता है, इसकी प्रैक्टिस आपको इस तरह से वन बाय वन करना पड़ेगा, समझ गए। ये सारा कोड एक साथ नहीं रन हो सकता क्योंकि हमने जैसे आपको एक्सप्लेन किया है कि किस काम के लिए कौन सा कोड कैसे लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि हम लोग याद करते हैं ना, एप्पल सेब होता है, मैंगो आम होता है, ऐसे याद करते हैं ना स्पेलिंग और वर्ड मीनिंग लाइक दैट, उसको यूज किसी सेंटेंस में करते हैं तो इसको यूज हम किसी मैक्रो में करेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि वर्कबुक पे क्या क्या करते हैं, तो वर्कबुक में आप क्या करते हैं, वर्कबुक को आप क्रिएट करते हैं, वर्कबुक को आप सेव करते हैं, सेव एज करते हैं, ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, पासवर्ड लगाते हैं, करते हैं ना। अब आप बोलेंगे सर जब मैं एक्टिव वर्क बुक लगा के करता हूँ या तो बहुत सारी चीजें आ रही है ना सर, हाँ ये चीज आ रही है लेकिन एक ही दिन में सब कुछ सीख जाओगे दिक्कत होगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज जो है एडवांस है, कुछ बेसिक है, तो इसलिए मैंने जितना अभी समझ सकते उतना मैंने आपको समझाया, फिर धीरे धीरे हम जब कोर्स में आगे बढ़ेंगे तो बाकी चीज भी हम सिखाएंगे या कुछ चीजें तो आप खुद ब खुद सीख जाए, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट इसमें? नहीं सर, डायमेंशन और बिना डायमेंशन में डालने में कोई एडवांटेज है क्या? उन बताऊंगा जब मैं पढ़ाऊंगा ना डेटा टाइप्स, तीन या चार क्लास तो पढ़ाऊंगा, उसमें पूरी चीज डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, अभी आधी अधूरी ज्ञान होगा ना सर इसलिए। हाँ करेक्ट, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कल हम इससे रिलेटेड एक प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है सर,
श्योर सर, थैंक यू एक वेरी कोड मैं मच। आपको भेज दे रहा हूँ व्हाट्सएप पे, ताकि आप लोग भूल गए हैं तो उसको कर लीजिएगा। हालांकि रिकॉर्ड हो गई है, बट फिर भी मैं आपको ये भेज दे रहा हूँ। रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड। ठीक है, कल शाम को 6 बजे हम एक प्रोजेक्ट करेंगे इसी वर्कबुक से रिलेटेड, और उसको रन करेंगे और फाइनली एक वर्क करेंगे, ताकि समझ में आएगा कैसे यूज हो।